वेलकम टू न्यू व्लॉग वीडियो। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ गत्ते का काम चल रहा है और गत्ता ही गत्ता यहाँ पड़ा हुआ है, हर जगह पड़ा हुआ है। और देख सकते हैं इस चीज़ से बनाया जाता है गत्ता, और वो बैस्टेड पड़ा हुआ है सामने, ये सब बॉक्स बने हुए पड़े हैं, और इस साइड भी बहुत सारे रोल पड़े हुए हैं। आगे ये देखिए हर कलर का रोल आता है, मतलब जितने ग्राम का चाहिए वैसे आता है, छोटा मोटा जो भी है वो सब वहाँ कटे हुए सब पड़े हैं। तो एक और न्यू व्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ गत्ता बनाने के लिए रोल पड़े हुए हैं, और वो देखिए आप सामने देखिए वो सीट पड़ी हुई है, और मतलब मशीन भी चल रही है, गत्ता जिससे बनता है वो मशीन चल रही है इस समय। और मतलब क्या बताएं दोस्तों, इसमें इतने कोई भी प्रकार का गत्ता बनाया जाता है। और ये मशीन देख सकते हैं आप, मशीन का आगे का प्रोसेस मशीन का आपको आगे चल के दिखाएंगे। खैर आप ये रोल देखिए, इनका वजन देखिए आप, वजन ये 500 किलो तक के होते हैं। ऐसा है यहाँ, मतलब जगह ऐसी है, ये पेड़ लगे हुए हैं, ये टायर रख के उतारा जाता है इनको, रोलों को, ये रोल आते हैं उनको वो रख के उतारा जाता है भाई, नहीं तो ये टूट जाते हैं, फट जाते हैं। इस और आगे ये देखिए, ये जो थोड़ा बहुत बचता है ये वो पड़े हुए हैं सब, जो थोड़ा बहुत बच जाता है। इसके बाद ये देखिए आप, ये बंधे हुए पड़े हैं, ये माल तैयार माल पड़ा है। और आगे चलिए आप, ये बैस्टेड यहाँ पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप, ये देखिए ये बैस्टेड पड़ा हुआ है, ये देखिए आप, देखिए ये कितना भंगार पड़ा हुआ है, मतलब कचरा पड़ा हुआ है एकदम, ये सब ऐसे ही है, यहाँ ऐसे ही चलता है, देख सकते हैं आप। ये प्लास्टिक भी पड़ा हुआ है, प्लास्टिक का भी बॉक्स बनता है भाई, यहाँ प्लास्टिक का भी बनता है, ये हर जगह रोल ही रोल नज़र आएंगे आपको, ये समझिए 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे ऐसे चलती रहती है मशीनें, तो रोल तो बहुत होंगे। गत्ते भी कितने प्रकार के बनते हैं वो भी पता नहीं है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हर गत्ते के लिए हर एक साइज का रोल चाहिए, उसी हिसाब से सारे रोल पड़े रहते हैं। तो बस इसके बाद और इतना ही फिलहाल। ये देखिए ये सब सीट बेस्ट पड़ा हुआ है, ये कटिंग मशीन है, देखिए कटिंग मशीन में मतलब ऑटोमेटिक कटिंग होता है इसमें, ये गियर है, गियर चेंज कर दो तो अपने आप साइज छोटा बड़ा हर प्रकार का साइज निकलता है इसमें, जैसा भी आपको निकालना हो इन गियरों की मदद से छोटी बड़ी साइज हो जाती है। ये देखिए दोनों रोलों के बीच में से जाता है ऑटोमेटिक, उतना मतलब खींच लेता है वो, ये पैनल लगा हुआ है यहाँ। और ये देखिए मशीन, ये हीटिंग आती है इस मशीन में, और हीटिंग के बाद ये मतलब गर्म होता है, गर्म होने के बाद में ये चिपकता है, दोनों पेपर गर्म होते हैं। ये यहाँ पीछे देखिए आप, पीछे रोल लगे हुए हैं, इन दोनों रोलों की सहायता से ये बॉक्स तैयार होते हैं, देख सकते हैं आप। देखिए आपको पूरा बॉक्स दिखाने की कोशिश करेंगे, पूरा बॉक्स धीरे धीरे अगले पार्ट में दिखाने की कोशिश करेंगे, कुछ अभी दिखाएंगे, मतलब पूरा आप क्लियरली दिखा देंगे कि यहाँ कैसा क्या काम होता है क्या नहीं होता है, सारा प्रोसेस आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। और मतलब देख सकते हैं अभी भी ऐसा ही सारा काम ऐसे ही चलता है, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।